और सुबह 7 बजे की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ट्रिपल तलाक बिल को संसद में फिर से पेश करने पर विचार कर रही है। आज मोदी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक कैबिनेट में ट्रिपल तलाक बिल को संसद में दोबारा पास कराने पर विचार किया जा सकता है। ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अभी भी अटका हुआ है। 17वीं लोकसभा का संसद सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है और 5 जुलाई को मोदी सरकार बजट भी पेश करने वाली है। तो आज होने वाली कैबिनेट की इस मीटिंग में ट्रिपल तलाक बिल के अलावा दूसरे बड़े मुद्दों पर भी विचार होगा। कैबिनेट कुछ विधेयकों को भी मंजूरी दे सकती है जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पास नहीं हो पाए थे। तो आपको बता दें ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो विधेयक जो बिल पिछली सरकार पास नहीं कर पाई थी उन्हें इस बार मंजूरी मिल सकती है। लेकिन ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार गंभीर है और एक बार फिर से ट्रिपल तलाक को लेकर विचार करने को लेकर इस बिल को कैसे दोबारा लाया जाए पेश करने पर विचार होगा। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस बैठक का होने वाला है। आपको बताएं कि वरिष्ठ रिटायर आईएएस नरपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव फिर से नियुक्त कर दिया गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नरपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव बनाए गए थे और इसके अलावा मोदी सरकार ने अतिरिक्त प्रमुख सचिव पीके मिश्रा को भी दोबारा से ये जिम्मेदारी सौंपी है, यानी कि ये भरोसा जताया है। नरपेंद्र मिश्रा और पीके मिश्रा दोनों को इस सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंगलवार को फिर से पीएम मोदी का प्रमुख सचिव नरपेंद्र मिश्रा और अतिरिक्त प्रमुख सचिव पीके मिश्रा को नियुक्त किया। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 मई से दोनों की नियुक्तियों को मंजूरी दी है। दोनों अधिकारियों का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के साथ पूरा होगा। प्रमुख सचिव नरपेंद्र मिश्रा 1967 बैच के हैं जबकि अतिरिक्त प्रमुख सचिव पीके मिश्रा 1972 बैच के आईएएस हैं। और एक बड़ी खबर यह है कि नीरव मोदी लंदन की जेल में रहेगा या फिर जमानत पर बाहर आ जाएगा, आज इस पर फैसला होगा। रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस आज इस पर अपना फैसला सुना सकता है। नीरव मोदी लंदन की जेल में है इस वक्त और मंगलवार को नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। आज कोर्ट उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा और इससे पहले वेस्टमिंस्टर कोर्ट लगातार 3 बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। भगोड़े नीरव मोदी को 19 मार्च को लंदन में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं। भारतीय एजेंसियों ने नीरव मोदी को जमानत देने का विरोध किया है और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन के कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब ऐसे में उसे अगर आज जमानत मिल भी जाती है तो प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है।